भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट और तेल की खरीद के अलावा कई मामलों पर साझेदारी है। अमेरिका के तमाम दबावों के बाद भी भारत ने संतुलन की नीति अपनाते हुए ईरान के साथ भी संबंध बरकरार रखे हैं। इसके बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने भारत के मुस्लिमों की हालातों को लेकर चिंता जताई। ये हैरान करने वाली बात थी, वो भी तब जब चीन ने शिनिजांग प्रांत में मुस्लिमों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। ईरानी लीडर ने अपनी पोस्ट में भारत के मुसलमानों की स्थिति पर टिप्पणी की और मुसलमानों से एकजुटता की भी अपील की। इस पोस्ट में उनकी ओर से गाजा का भी जिक्र किया गया। उनकी इस पोस्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से तीखा जवाब भी दिया गया, पर यह सवाल अब भी बना हुआ है कि भारत के साथ सहज रिश्ते होने के और कई सीधा टकराव न होने के बाद भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसी टिप्पणी क्यों की। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप कुमार सिंह मानते हैं कि इसकी वजह ईरान के अंदर एक गुस्सा है और कि आखिर भारत ने अपने संबंध इसराइल से इतने बेहतर क्यों कर लिए। ईरान को लगता है कि भारत की नीति अब इसराइल समर्थक होती जा रही है, जबकि पहले फिलिस्तीन और इसराइल के संघर्ष में संतुलन की नीति होती थी। संदीप सिंह कहते हैं कि ईरान के संबंध अब चीन और रूस से बेहतर हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल खेमे में उनकी दूरी बढ़ गई है। यूक्रेन पर भारत का स्टैंड भी ईरान की राय से ही अलग है, जबकि भारत के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। हाल ही में उनके एक नए राष्ट्रपति के शपथ में भी भारत से प्रतिनिधि गए। इसके बाद भी ईरान का ऐसा रवैया चिंताजनक माना जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ऐसा बयान सोचा समझा कदम माना जा रहा है। उनकी पोस्ट में चीन का जिक्र नहीं था, जबकि वहाँ मुस्लिमों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में संभव है कि शायद रणनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ईरान के इस रवैये का एक और वजह बताया जा रहा है, अरब देशों का आपसी संघर्ष भी इसकी एक वजह है। भारत के सऊदी अरब, UAE जैसे खाड़ी देशों से संबंध बड़े हैं, वहीं ईरान और तुर्की अलग खेमे में हैं। संभव है कि एक वजह से ये भी है कि ईरान ने इस्लाम के नाम पर खुद को नेता साबित करने की कोशिश की और भारत को लेकर भी टिप्पणी कर दी। उनकी कोशिश हो सकती है कि इस्लाम के नाम पर भारत से संबंधों को लेकर अरब देशों और ख़ासतौर पर सुन्नी मुसलमानों को संदेश दिया जा सके। ईरान खुद को शिया देश ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कौम के रहनुमा के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।